तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा और वैसा ही हुआ, गिरावट का सिलसिला जारी है और ये गिरावट अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। थ्री ब्लैक साउंड एक टेक्निकल चार्ट है जो बना है, जो सजेस्ट करता है कि तीन बार अगर रेगुलर रेड कैंडल बने तो एक रिवर्सल हो सकती है। तो क्या वो आज रिवर्सल होगी, इन सब बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर हौसला अफजाई करें। तो आफ्टर द कैरनेज ऑफ दलाल स्ट्रीट द निफ्टी 50 हिटिंग 20 डेज EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट 18,830 था फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल दिस ईयर एंड फॉर्मेशन ऑफ थ्री ब्लैक क्राउच कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन डेली चार्ट्स द बेयरिश पैटर्न विल देयर बी करेक्शन ऑफ एनी पॉसिबिलिटी और बाउंस बैक गिवन द मोमेंटम इंडिकेटर RSI लॉकिंग ओवरसोल्ड। तो 26.74 का दिखा रहा है लेवल, जो ओवरसोल्ड टेरिटरी पे मार्केट आ चुका है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट एनी रिबाउंड इज लाइकली टू बी सस्टेनेबल इन नियर टर्म गिवन द बेयरिश सेंटीमेंट एंड द इंडेक्स कैन ट्रिप टूवर्ड्स 18,600 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और 18,500 इन कमिंग सेशंस। वन मे ऑब्जर्व थ्री लॉन्ग बियर कैंडलस्टिक इन लास्ट थ्री सेशंस विच इज इंडिकेटिंग ए बियरिश थ्री ब्लैक क्राउच पैटर्न विच सिग्नल्स ए डाउन टर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर द शॉर्ट टर्म। नागराज सेठी ये बता रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के। द निफ्टी 50 प्लंग 1.4% और 265.2 18,857 ऑन October 26th द एक्सपायरी डे ऑफ द मंथली फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बट ब्रेथ हैज सीन सम इम्प्रूवमेंट कंपेयर टू द प्रीवियस टू सेशंस थ्री शेयर्स डिक्लाइंस और फोर एवरी टू राइजिंग शेयर्स ऑन NSE October 26th। तो तीन शेयर जो डिक्लाइन में थे उसके बदले एक दो शेयर बढ़ रहे थे अगेंस्ट 12 शेयर डिक्लाइन फॉर एवरी राइजिंग ऑन 23। The Nifty 50 is placed at the key moving average expert. Still, there is no indication of any reversal pattern building up the lows. Nagaraj, ऐसा लग रहा है नागराज को कि कोई रिवर्सल होने का चांसेज नहीं है। थ्री ब्लैक क्राउन बना है लेकिन उसका मतलब ये नहीं हुआ कि ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। The negative pattern like lower tops and bottoms of a larger degree is intact on the daily chart and the market is finding support to form new lower bottoms the sequence still there is no indication of any bottom formation at the lows aisa unko lag raha hai ki abhi koi bottom nahi bana hai hence if the short term trend in Nifty continue to be negative having moved to an oversold region there is a chance of upside bounce occurring from the low a decisive move below 18,800 level could open the next downside 18,500 18,600 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये नागराज बोल रहे हैं, जतिन केडिया टेक्निकल रिसर्च हैं शेर खान का, वो बता रहे हैं कि कंसिडरिंग द निफ्टी हैज रीच्ड ए सपोर्ट जोन एंड इज अपीयरिंग ओवरसोल्ड ऑन द अर्ली चार्ट वन कैन एक्सपेक्ट ए पुल बैक 19,000-19,050 का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। हाउएवर इट इज लाइकली टू बी टेम्पररी पुश ऑन द ओवर टावर डाउन वाटर्स। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक मिल सकता है लेकिन फिर भी ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया है और वो टिकेगा नहीं, अगर ऊपर जाएगा तो टिकेगा नहीं। ऑन द डाउन साइड इफ द निफ्टी इज लाइकली टू ड्रिप डाउन 18,500 का लेवल भी देखने को हमें मिल सकता है शॉर्ट टर्म एंड इंटरमीडिएट पुल बैक शुड बी यूज्ड एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। द BSE सेल ऑन राइज का मार्केट है, जो जब भी पुल बैक आपको मिले, जब भी ऊपर मार्केट मिले आपको बेचना है। तो BSE सेंसेक्स टैंक ओवर 900 पॉइंट गिरा है, 63,148 पे बंद हुआ है। वाइल द ब्रॉडर मार्केट फ्रंट द निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स फेल 1.2% एंड स्मॉल कैप 100 इंडेक्स वाइज डाउन 0.3% गिरा है। तो की सपोर्ट रेसिस्टेंस निफ्टी का कहाँ बन रहा है, द निफ्टी पॉइंट कैलकुलेटर्स इंडिकेट द निफ्टी में गेट सपोर्टेड 18,834 पे पहला सपोर्ट मिलेगा, फॉलोड बाय 18,786 पे दूसरा और तीसरा 18,708 पे सपोर्ट मिलेगा। रेसिस्टेंस पहला रहेगा 18,990 का, उसके बाद इमीडिएट रेसिस्टेंस फॉलोड बाय 19,036 का दूसरा रेजिस्टेंस और 19,111 का तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा। निफ्टी बैंक को समझते हैं, ऑन निफ्टी ऑन October 26th द बैंक निफ्टी आल्सो एक्सटेंडेड सेलिंग प्रेशर फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन एंड फॉर्म थ्री ब्लैक क्राउच कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ भी बना है। ऑन द डेली टाइम फ्रेम द इंडेक्स इज वेरी क्लोज टू नियर टर्म सपोर्ट 42,000 का मार्क के आसपास है विच कॉन्साइड्स विद ए लॉन्ग अपवर्ड स्लोपिंग अपॉर्चुनिटी ट्रेड लाइन। द इंडेक्स ब्रेक्स द सेम देन देयर कुड बी
मोर डाउन ट्रेंड इन इंडेक्स, बट गिवेन द RSI लुकिंग ओवरसोल्ड 25.80 का दिखा रहा है कि ओवरसोल्ड ट्रेटरी पे आया है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिबाउंड कांट रूल आउट इन द कमिंग सेशन, एक्सपर्ट ऐसा लग रहा है। एक्सपर्ट इंडेक्स ड्रॉप 552 पॉइंट गिरा है 1.3%, 42,280 पे बंद हुआ है। मैग्निफ्टीज हेडिंग टुवार्ड्स द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, 42,000 का लेवल के पास पहुँच गया है। द फॉल हैज बीन वेरी शार्प एंड इट अपीयरिंग ओवरसोल्ड, विच इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पुल बैक। द पुल बैक कैन एक्सपेक्टेड 42,500 और 42,600 तक देखने को मिल सकता है। हाउएवर इट इज लाइकली टू रिजल्ट ऑफ ए ट्रेंड रिवर्सल, जतिन केडिया बता रहे हैं। ओवरऑल फील्स द ट्रेंड इज नेगेटिव एंड एक्सपेक्टेड टू टारगेट लेवल, 40,850 का लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। एज पर पाइवट कंप्यूटर बता रहा है, मैग्निफ्टी को पहला सपोर्ट 42,134 पे मिलेगा, दूसरा 41,990 का, तीसरा 41,756 का मिलेगा। वहीं रेसिस्टेंस का बात करते हैं तो पहला रेसिस्टेंस रहेगा 42,601 का, दूसरा 42,745 का और तीसरा 42,798 का। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं। 18,900 के स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा हुआ है 1.01 करोड़ का, उसके बाद 20,000 के स्ट्राइक पे 82.72 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 19,000 के स्ट्राइक पे 78 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल राइटिंग 18,900 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है जहां 1 करोड़ है और 19,000 के स्ट्राइक पे 63 लाख, 18,800 के स्ट्राइक पे 52 लाख है। कॉल अनवाइंडिंग 19,200 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है जहां 72.56 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 19,300 के स्ट्राइक पे 72 लाख और 19,400 के स्ट्राइक पे 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं। 18,800 का जो लेवल है वहाँ पे 1.03 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है जो एक सपोर्ट का काम करेगा। 18,900 पे सबसे ज़्यादा ओआई था, वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। कॉल ऑप्शन साइड में तो 18,500 के स्ट्राइक पे 65 लाख कॉन्ट्रैक्ट है पुट ऑप्शन में और 18,000 के स्ट्राइक पे 53 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। पुट राइटिंग 18,800 के स्ट्राइक पे देखने को मिल रहा है 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 18,400 के स्ट्राइक पे 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। पुट अनवाइंडिंग हुआ 19,000 के स्ट्राइक पे जहां 1.05 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, 19,100 के स्ट्राइक पे 63 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 19,200 के स्ट्राइक पे 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। हाइस्ट डिलीवरी है अल्ट्राटेक सीमेंट में, HUL पे, डाबर पे, LNT पे, लोग सेफ हेवन खोज रहे हैं उधर जा रहे हैं। हाइस्ट रोल ओवर देखने को मिल रहा है SBI कार्ड पर, अदानी पोर्ट्स का, PI इंडस्ट्री का, अंबुजा सीमेंट का। लॉन्ग बिल्डअप जो देखने को मिल रहा है PNB में। लॉन्ग अनवाइंडिंग लाल बेथलेब में, डेल्टा कॉप में, RBL बैंक पे। शॉर्ट बिल्डअप है मिड कैप निफ्टी पे, ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है HDFC बैंक पे, फिर निफ्टी पे सबसे ज़्यादा शॉर्ट निफ्टी। शॉर्ट कवरिंग है लॉरस लेब पे, मदरसन, सुमी पे, MCX पे। तो ये सारे बहुत सारे न्यूज़ हैं, रिजल्ट आज है RIL का, मारुति का, SBI लाइफ का, एक्सिस बैंक न्यूज़ में रहने वाला है, कोलगेट न्यूज़ में रहने वाला है, लेमन ट्री होटल न्यूज़ में रहने वाला है, कमात होटल है, NLC है, कर्नाटका बैंक है, बहुत सारे न्यूज़ में रहने वाले हैं। हैवी सेलिंग किया है फाइनेंस, 7,702 करोड़ का सेलिंग किया है। DI ने 6,558 करोड़ का बाय किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है, मेक वन ब्रेक वाला दिन है। गिरावट क्या चलती रहेगी? 3 ब्लैक क्रॉप पैटर्न बना है, क्या यहाँ से और गिरावट होगी या संभलने का कोशिश करेगी निफ्टी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर अपना राय रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।